हाय प्यारे दोस्तों, मैं इंदु माथुर एबीसीसी यानी बड़ी कैन कुक में आपके लिए लेकर आई हूँ एक नए फूड आउटलेट की डिटेल्स जो रुड़की में 16 अक्टूबर को ही ओपन हुआ है। और मैं यहाँ विज़िट करने गई थी तो मैंने यहाँ से बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट करी हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी ये अंदर फूड ऑप्शंस कौन कौन से हैं और यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं फूड के। यहाँ पर आपको एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी खाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। और ये आउटलेट खुला है दिल्ली से हरिद्वार हाईवे पर मेडाम शोरूम के बिल्कुल बराबर में। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। एंट्रेंस पर ही इन्होंने एक सिटिंग एरिया बनाया है, ये ओपन एरिया है। जिन लोगों को बाहर बैठ के फूड एंजॉय करना पसंद है वो यहाँ पर अपनी फूड को एंजॉय कर सकते हैं आराम से। बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। अब हम जा रहे हैं अंदर। मुझे इनके इंटीरियर्स में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो इनकी बिल्डिंग की कनेक्टिविटी है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। आपको होटल्स में रुड़की में ये चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे इन्होंने ऊपर की बिल्डिंग ऊपर मतलब जिनका फर्स्ट फ्लोर है उसको ग्राउंड फ्लोर के साथ जो कनेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छे तरह से कनेक्ट किया है। वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो ओवरऑल जो है इसका एम्बियंस है उसे तो मैं पूरे 10 out of 10 ही दूँगी, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी तरह से इन्होंने उसको डिज़ाइन किया है और बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं है। आराम से सिटिंग एरिया जो है वो भी बहुत स्पेशियस है, खुला खुला है, आप अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठ के खा सकते हैं। ये फूड आउटलेट है, ये है ठेका। ये शार्क टैंक में भी आए थे, अगर आप लोगों ने शार्क टैंक देखा हो तो उसमें भी इन लोगों ने अपना एक डेमो दिया था। और बर्गर ग्रिल है यहाँ पर और शिकागो पिज़्ज़ा है यहाँ पर और वेंकीज़ भी है और यम करके भी है एक आउटलेट। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर देखें तो फूड के ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं। जैसे यहाँ पे आपको बर्गर रोल्स मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चाइनीज़ फूड मिल जाएगा, डोसा भी है यहाँ पर। और यम आउटलेट जो लास्ट में है उसमें आपको तंदूरी पराठे, नान, सब्जी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और इनके पास अलग अलग उसके कॉम्बो भी हैं, अगर आपको कोई कॉम्बो ऑर्डर करना है तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे फूड के। तो ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा है एंजॉयमेंट के लिए। अगर वीकेंड पे आप लोग कहीं बाहर ना जाकर रुड़की में ही एंजॉय करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में तो हम लोग खाना खाते ही हैं, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा रुड़की के लोगों के लिए थोड़ा अलग है। मैं देख रही थी लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बैठ के ऑर्डर करके खाना एंजॉय कर रहे थे और पूरी फैमिलीज़ के साथ आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए ही है कि कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आ रहे हैं या फिर छोटे बच्चे या कपल्स हैं, ऐसा नहीं है। बहुत फैमिलीज़ पूरी पूरी अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर एज के लोग यहाँ पर फूड एंजॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी, बल्कि मैंने यहाँ पर एक दो लोगों से बात भी करी तो बड़ा अच्छा उनकी तरफ से रिव्यू मिला कि उनको ये जो आउटलेट है ये बहुत पसंद आया है और वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और इसको काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं कि रुड़की में ऐसे आउटलेट्स और भी खुलने चाहिए। तो ओवरऑल अच्छा है, आपको वन टाइम विज़िट तो करना ही चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। और रेस्ट अगर आपको पसंद आता है तो आप रेगुलर आते रहिए यहाँ पर, लेकिन अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है।
कैसा लगा सर आपको फूड पे? बहुत अच्छा लगा। आपने क्या यहाँ पे एंजॉय करा, कौन सी मील एंजॉय करी? ये शिकागो पिज्जा। ओके। और पानी पूरी। तो आप सेटिस्फाइड है? ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, कैसा लग रहा है रुड़की में इतना अच्छा आउटलेट ओपन हुआ है? तो अच्छा लग रहा है, मतलब अभी तक ऐसा ना यहाँ पे कोई ओपन नहीं हुआ है इस हिसाब से, इसके अंदर इतने सारे मतलब फूड कोर्ट टाइप है फूड के नाम से। अच्छा, इसके अंदर अलग अलग वैरायटी है बहुत सारी, जिन लोगों को केवल वेज खाना है उनके लिए अलग ऑप्शन है और जिनके लिए वेज नॉन वेज बहुत खाना है उनके लिए अलग ऑप्शन है। अच्छा, मतलब अच्छा लगा फूड एंजॉय करा आपने? यहाँ पे पिज्जा ट्राई किया। और क्वालिटी कैसी है फूड की? अच्छा, प्रेफर करोगे? हैप्पी? ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, जो इनका बुफे है वहाँ पर इन्होंने एक सेपरेट सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो चलती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है खाने के ऑप्शंस, और हम जब यहाँ आएंगे तो हम यहाँ पर कौन कौन से खाने को, कौन कौन से फूड को इन्जॉय कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी वगैरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था अभी यहाँ पर एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मतलब अच्छा ऑप्शन है, फ्रेंड्स के साथ आना चाहें, कोई पार्टी आप करना चाहें तो उसके लिए ऊपर वाले फ्लोर पे अच्छा अरेंजमेंट है बैठने का। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे भी फूड इंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सिटिंग का काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, बिल्कुल टॉप से दिखा रही हूँ मैं आपको, कि अच्छा स्पेशियस है, खुला खुला है और अट्रैक्टिव है। सबसे बड़ी बात कि जो एम्बियंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाय, हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव पुराना है। अच्छा, ओके, आप बहुत अच्छा आउटलेट है। और यहाँ पे बुफे का बताइए कि ये बुफे मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना, ये काफी आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसके टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारी लंच की जो टाइमिंग है 1 to 4 है। अच्छा, और उसमें भी लगा बफेट जैसे अभी लगा हुआ है, यही बफेट सेम रहता है, लाइक एवरी डे हमारा मेन्यू चेंज होता है यहाँ पे। अच्छा, एक पर डे पर मेन्यू होता है हमारा। अच्छा, 7 days आएंगे, 7 days मेन्यू चेंज मिलेगा, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आपको। अच्छा, आपको एंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, लाइक सूप से स्टार्ट होता है और डेजर्ट पे खत्म होता है। अच्छा, लाइक आई कैन शो यू, दिस इज आवर सूप साइड, लाइक टुडे इज तरमिन सूप। अच्छा, ओके ओके ओके, एंड लाइक अ बीटरूट इज अ हमारा सीजर सैलेड है, रायता है, मिक्स सैलेड है, हरा भरा कबाब हो गया, स्प्रिंग रोल्स हो गए। हाँ, ये बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था, मैं देख रही थी इसको शूट करा ना, मेरा बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हमारे नूडल्स हो गए, चॉक्सी होगी, चॉक्सी होगी, जैसे चीज टमाटो है, अच्छा। तो एक चीज मैं ये पूछ रही थी कि इसका कुछ फिक्स अमाउंट है या फिर मेन्यू के हिसाब से अमाउंट है? फिक्स अमाउंट है हमारा 499 फॉर डिनर, 449
लंच अच्छा जो डिनर का टाइम है वो रहा है 7 to 11 का 7 to 11 उसमें भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है लाइक आप लंच में आए लंच में आपको दम आलू मिला तो दम आलू रात को आपको नहीं मिलेगा अच्छा तो लंच में आपको चेंज होएगा या डिनर में चेंज हो जाएगा एवरी डे हमारा मेन्यू चेंज होता रहेगा आप कुछ भी खाएंगे ना तो उसमें आपको अलग अलग ही मिलेगा अच्छा एक चीज और बताइए कि कुछ नॉन वेज के लिए भी है लंच और डिनर में नॉन वेज का कोई ऑप्शन नहीं एक्चुअली हमारा प्योर वेज है प्योर वेज वालों के लिए हमने बोला हुआ है अच्छा रुड़की में आप कहीं भी जाएंगे हर जगह आपको नॉन वेज तो मिल ही जाएगा हाँ जी हाँ जी नॉन वेज मिल जाएगा तो आपको हमारी जो प्योरिटी वो नहीं मिलेगी नहीं नहीं हमने आपके लिए वेज बोला हुआ नहीं दिस इज रियली वेरी नाइस ऑप्शन और बहुत ही अच्छा रुड़की के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस आउटलेट एंड माय बेस्ट विशेस विद यू मैं कोशिश मतलब इस ब्लॉग को शूट करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी ठीक है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम थैंक यू आपको कैसा लगा फूड बे हैप्पी रुड़की में आपको मजा आया आपने बर्थडे सेलिब्रेट करा है अच्छा ओके हैप्पी बर्थडे थैंक यू एक ये लंच टाइम और डिनर टाइम के बारे में हमें अच्छी तरह से बताया और आप यहाँ की बुफे इंजॉय कर सकते हैं मैं देख रही थी फूड प्रिपरेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन थी तो आप बेफिक्र होकर आराम से बैठ के यहाँ पे अपने खाने को इंजॉय करने आ सकते हैं अब मैं आ गई हूँ अपने काउंटर पे मैंने यहाँ पे पसंद किया था हक्का नूडल्स विद मंचूरियन और इसके साथ ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पर जनरली क्या होता है हम जब मनी पे करते हैं उसके बाद हमें ये कूपन देते हैं और फिर एक ऊपर डिजिटल बोर्ड लगा होता है जिसमें आपके फूड नंबर और आपके जो ऑर्डर नंबर है वो डिस्प्ले होता है लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने एक छोटा सा इक्विपमेंट हमें दिया था जब आपका फूड रेडी हो जाएगा तो तब आपके पास इस इक्विपमेंट में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फूड ऑर्डर रेडी है एंड आप वहाँ काउंटर से अपना फूड कलेक्ट करके आराम से यहाँ बैठ के अपने फूड को एंजॉय करिए अब मैंने आपको ABCC एनीबडी कैन कुक में बहुत अच्छी सी डिटेल्स दे दी हैं फूड बे के बारे में पूरा मैंने आपको डिटेल समझा दिया है अंदर से मैंने आपके सारे रिव्यूज़ आपको सारे व्यूज़ दिखा दिए हैं तो अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप फूड को फूड बे कैसा लगा और आप यहाँ कब जाने वाले हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि रुड़की के लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए और उन लोगों को पता चले कि रुड़की में एक बहुत ही बढ़िया आउटलेट खुला है और एंजॉय करने का एक और ऑप्शन उनको मिल गया है तो यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा अपने वीकेंड को सुहाना और सुंदर बनाइए एक बार विज़िट करिए इंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ फूड को खाने के बाद अपना रिव्यू भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर आके यहाँ पर दे सकते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ ABCC एनीबडी कैन कुक अब बन गया है गूगल गाइड तो आप गूगल पर जाके मेरे रिव्यूज़ को और मेरे शेयर किए हुए फ़ोटोज़ को लाइक कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं ताकि मैं जब भी कहीं नई जगह जाती हूँ और जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी पिक्स शेयर करती हूँ फूड पिक्स शेयर करती हूँ उससे आप आउटलेट्स के बारे में फूड आउटलेट्स के बारे में रेस्टोरेंट्स के बारे में होटल्स के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसी जगह है तो गूगल पे भी जाके आप मुझे गूगल गाइड पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ओके अपना ध्यान रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और इस तरह के फूड आइटम्स और फूड आउटलेट्स और होटल्स रेस्टोरेंट्स और रेसिपी के बारे में आपको पता चलता रहे अपना ध्यान रखिए